दंगल फिल्म तो आपने देखी ही होगी, मगर वो रियल लाइफ थी। अब आपको रियल लाइफ की दंगल दिखाते हैं, वो असली दंगल फिल्म जो देश को देखनी चाहिए। पिता का संघर्ष और बेटी को पहलवान बनाने की जिद, वो जिद जो आज दिव्या को दुनिया के सबसे बड़े दंगल में ले जाकर खड़ा कर चुकी है। और पूरा देश दिव्या के इस दंगल को जीतने की कामना कर रहा है, दुआएं कर रहा है। जी, ये कहानी है दिव्या काकरान की, वो दिव्या जो अपने पिता के सपने को साकार करने जा रही है, क्योंकि 5 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम में दिव्या अपना पहला कुश्ती का मुकाबला लड़ेगी। आज हर जुबान पर दिव्या और दिव्या के पिता के संघर्ष की दास्तान है, ठीक वैसे ही जैसी हमने दंगल फिल्म में देखी थी। अब इस संघर्ष की दास्तान को सुनेंगे तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। पिता सूरज को आर्थिक तंगी की वजह से पहलवानी छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, दिव्या के पिता सूरज पहलवानों को अखाड़ों में लंगोट बेचते थे। माँ संयोगता घर में लंगोट सिलती थी, मगर संघर्ष रंग लाया। सिर्फ 21 साल की अर्जुन अवार्ड जीतने वाली दिव्या आज दंगल क्वीन बन गई। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। क्योंकि दिव्या की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। पिता को शुरू से ही पहलवानी का शौक था। एक दिन बेटी पिता के साथ दंगल देखने चली गई। वहीं दंगल में एक शख्स ने दिव्या से उसके बेटे से कुश्ती लड़ने को कहा, जिसमें जीतने वाले पहलवान को 500 रुपए का इनाम रखा गया। पिता बेटी को कुश्ती लड़ाने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। दिव्या ने पहली कुश्ती में ही लड़के को पटकनी दे दी। उसे इनाम में 3000 रुपए मिले। पिता को पहली बार लगा कि दिव्या कुश्ती में नाम और शोहरत दोनों कमा सकती है। दिव्या को इसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए पिता और परिवार ने संघर्ष का पसीना बहाना शुरू किया। इतना ही नहीं, जब दिव्या कुश्ती में लड़कों को पिछाड़ने लगी तो गांव में खिलाफत शुरू हो गई। इससे परेशान होकर दिव्या को दिल्ली तक शिफ्ट करना पड़ा। मगर आज अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल की झड़ी लगा चुकी दिव्या की जिंदगी का सफर देश की लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुका है, और देश के सामने नजीर भी, और हाँ उन लोगों के सामने भी जो कहते हैं कि बेटा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, बेटा भाग्य से होता है, पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।